अभी मैं मौजूद हूँ मेरठ इलाके में, और ये मेरठ इलाके का ये पारस हॉस्पिटल है। आज 23 मार्च है और 2021 को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये जो सामने शख्स हैं, इनकी उम्र तकरीबन 46 साल इनकी उम्र है, और इनका नाम शहजाद नाम है इनका। और ये शहजाद भाई के भाई है, उनको माउथ कैंसर है, और आज इनकी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। ज़िंदगी और मौत के बीच में ये जूझ रहे हैं। इनका आपने देखा होगा माउथ का पूरा ऑपरेशन हुआ है, सर का ऑपरेशन हुआ है, सर की खाल काटने के बाद माउथ पे लगाई गई है, और फिर पैरों से भी खाल काटी गई है, और इनकी पूरी शरीर में टांकों से इनका जो पूरा शरीर है वो भरा हुआ है। और जो भी ज़मीन इनके पास थी वो अब तक इनकी बीमारी में ये अपनी ज़मीन को बेच चुके हैं। इनकी जो माली हालत है वो बेहद ज़्यादा ख़राब है। साहब थोड़े से बताइए भाई के बारे में। जी एक साल से परेशान है, जो कुछ भी था हमने सब वो लगा दिया। अब परेशान थे, अब कुछ भाइयों ने इकट्ठा करके दिया, वो लगाया कुछ अपने पास से, अब वो ख़त्म हो गया। अब ये दोबारा फिर हॉस्पिटल आया आज जी, तो अब भी परेशान है वजह से। तो ये लगभग बिरा इनको जो बीमारी है वो कितने दिन से थी भाई? ये एक साल से। एक साल से बीमारी जी, पिछले लॉकडाउन में सफदरजंग में एडमिट थे रमजानों में दिल्ली जी। जी वो तो अब जैसे और भाई है हमारे गांव बस्ती के, वो सब मिलजुल के सब ये काम करा रहे हैं। मतलब जिसने जो भी इमदाद की उस इमदाद के थ्रू आप जी जो इनका खर्चा चल रहा है। तो इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो कितने लोग हैं, कितने बच्चे, बड़ा बच्चा कितने साल का है? बड़ा बच्चा इनके 17-18 साल का होगा। तो वो भी पढ़ता होगा, कुछ काम नहीं करता है वो? जी। और लड़की एक बच्चा है वो छोटा सा, वो ऐसे तकरीबन 7-8 साल का होगा। 7-8 साल का बच्चा जी। तो शहजाद भाई देखो महसूस तो कर रहे हैं, इनकी आंखें आंखें चल रही हैं इनकी, और ये महसूस तो कर रहे हैं कि हाँ, पर ये बोल नहीं सकते। इनकी जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और जो भी लोग मेरे तमाम लोग वीडियो देखते हैं हरम शरीफ में, वो भी लोग दुआ कीजिएगा शहजाद भाई के बारे में। और जो कुछ भी था इनके पास में, इनकी ज़मीन जायदाद जो भी इनके हिस्से में आई थी वो सब बिक चुकी है इनके इलाज में। और अब से 3-4 दिन के पहले भी इसी हॉस्पिटल से ही इनको डिस्चार्ज हुए थे ये, लेकिन कुछ इनको खून दोबारा आ गया तो फिर इनको आना पड़ा यहाँ पे। और अभी इनकी हालत ये है कि इनको आज पूरी दुनिया के सामने इनको मदद मांगनी पड़ रही है, पूरी दुनिया के सामने इनको हाथ फैलाना पड़ रहा है कि इसीलिए कि इनकी जान बच जाए। ये वो फैमिली है जो अभी मैंने इनसे बात की थी, तो कह रहे थे मुशाहिद भाई बिरादरी वाले क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे जिनके सामने हमने हमेशा दान किया है, जिसको हमने हमेशा दिया है। आज ये कंडीशन है कि इनको खुद लोगों की मदद मांगनी पड़ रही है। मैं भी नहीं बनाना चाहता था भाई आपकी वीडियो, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितनी मदद मैं कर सकता हूँ आपकी मैं करूँ, और तमाम जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तमाम जो लोग हैं जो विदेश में हैं वो आपकी मदद करें, इसीलिए मेरे वीडियो बनाने का मेरा मकसद है। शहजाद की अम्मी हैं आप, तो अम्मा कैसे चल रहा है घर का खर्चा, कैसे ज़िंदगी चल रही है आपकी, इसकी दवाई का खर्चा इसके? बस भैया पहले तो इनका बाप छोड़ के मर गया था, छोटे छोटे जी 6 बच्चे थे, लड़की एक बावली है बिल्कुल वो भी है। और जब से इसकी दवा गोली थी जो हमारे पास था, भाई किसी से उधार लिया जो अपने पास था, जब से तो ऐसे दिखाते बहलाते रहे हम, इसमें दवा गोली चली, इसमें अपना हमने भी मेहनत मजदूरी करी, इसकी बहू है लड़की हमारी, मैं भी। कितने साल हो गए शहजाद को अभी? अब बिल्कुल 1 साल से तो एडमिट होते हुए हो गए, और कोई 1.5-2 साल से वैसे ही दवाई खा रहा था। जब अपना थोड़ा बहुत ही छोटा भाई काम कर ला कर रहा था, वो लादा कर रहा था इन्हें कुछ, तो जब ऐसा अब हालत आपकी ये हो चुकी है कि आपको पूरी दुनिया के सामने मदद मांगनी पड़ रही है। हाँ अब तो भैया बस तुम क्या पूछो, मैं किसी रिश्तेदार, भैया मेरे नहीं बाप मेरे नहीं कोई नहीं था, जहाँ कहीं चले जाऊँ तो रिश्तेदारों को तो वहाँ भी जाके शर्मिंदा होगी, जो कहीं अब जा भी नहीं सकती। ये जो सटला है ये जिला मेरठ में है, और तहसील मवाना एक कस्बा पड़ता है, वहाँ इनका गांव है। और ये वो फैमिली है जो हमेशा लोगों की मदद करते थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से इनकी हालत ऐसी है कि जो कुछ भी था इनके पास में ये अपना सब कुछ दे चुके। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार की मदद करें, इस फैमिली की मदद करें। मैंने अकाउंट डिटेल दी हुई है, आप अकाउंट डिटेल दे सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, इनकी फैमिली का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो आप बात करना चाहते हैं या वीडियो कॉल पर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो कॉल पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त शहजाद को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, जो भी आप मदद करना चाहते हैं इस फैमिली की मदद कीजिए। वाकई में ये फैमिली बहुत
मजबूर है। और मेरे से मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा से जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, मैं उतनी मदद करता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। अम्मा ये 10,000 रुपये है मेरी तरफ से, ठीक है ना? और मैं भी बेटा ही हूँ तुम्हारा, मेरा उनका नाम शहजाद, मेरे उनका नाम शहजाद है तो मेरा नाम मुशाहिद है, ठीक है ना? तो आप ये मेरी तरफ से है, और जो तमाम लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस फैमिली की मदद करें। इस फैमिली को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए। वीडियो शेयर करके कम से कम आप लोग इस फैमिली की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लोगों की मदद करें। हज़ारों लाखों शहजाद आपके पास ऐसे मिलेंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारे घर के पास होते हुए भी कभी कभी हमारे आँखों से चूक जाता है, लेकिन आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि शहजाद की मदद कीजिए, और साथ साथ शहजाद के हक में दुआ भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।